शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द स्टैंडर्ड राइडर। आज देखो, बहुत दिनों बाद आपको लास्ट व्लॉग में मैंने बता दिया था कि केदारनाथ जाएंगे और फाइनली 12 बजे से ट्राई करते करते रात के 1:29 हो गए हैं। अब पूरा सामान वामान सेट हुआ है, हमने सामान वामान सेट करा है और केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं। भाई आज डेट कितनी है, 11 अक्टूबर, और रात के बज चुके हैं 1:29। अच्छा मैं दिखा रहा हूँ, तो मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं हम? केदारनाथ जा रहे हैं। तो देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, पल्सर जा रही है अपनी 220, पंकज भाई जा रहे हैं, ये तो अपाची है पर ये पंकज भाई हैं। और इस बार मैं बुलेट से नहीं, मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई बुलेट कहाँ है, ये है, पर बुलेट से नहीं जा रहा, एनएस से जा रहा हूँ क्योंकि बुलेट का पिस्टन का काम करा। और ये हमारे पार्थ भाई, ये सिटी डॉन से जा रहे हैं डॉन बनते हुए। देखो अब मैं आपको पूरा वो बता देता हूँ कि सीन कैसे कैसे, अब यहाँ से कंटिन्यू हम खींचेंगे कम से कम 100 किलोमीटर तो कंटिन्यू खींचने का, क्योंकि यार 1 बज गया और कोशिश करेंगे कि सुबह 5 बजे के आसपास हरिद्वार पहुँच जाते हैं। बाकी देखो भाई कैसे करता है, क्या चलता है, कैसा हिसाब चलता है, और वैसे हनुमान मोह जी के आदमी हैं। चलो भाई तो लेते कितने का डालना है, कोली करनी है डालना क्या? ये बात भी सही है, इतना तो तजुर्बा है। क्या साल से डाल दो अंकल पेट्रोल? 14 साल। अरे फिर तुम्हें पता है कौन कितने का डलवाएगा? इतना आइडिया हो जाए, आप बताइए दूर जा रहे हो तो कुछ 500 का थोड़ी डलवाएगा। सही बात है यार। 11 लीटर की टंकी है इसकी, रिजर्व में कितना होगा इसमें, 2 लीटर? गाइस पेट्रोल वगैरह डला लिया, टाइम देख रहे हो 1:47, सॉरी ज़्यादा हो गया, 1:37 हो रहे हैं रात के। और लिटरली यहाँ रुका हूँ ना तो गर्मी लगने लग गई है, क्योंकि जैकेट वगैरह में ना गेयर वेयर पहनो तो भाई गर्मी लगती है। अब सीधा यहाँ से निकलते हैं, अब लगेज इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लगेज ज़्यादा हो गया क्योंकि ना यार बुलेट में लगेज रख लेते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ये सीन है। और देख रहे हो सामने फोटो सेशन हो रहा है पूरा, और फोटो की जो भी जितनी भी फोटो होंगी उन सबको फोटो को आपको देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो गाइस शुरू करते हैं भाई अपनी यात्रा। जय भोले शिव शंकर शंभो, हर हर महादेव, जय। चलो ओके गाइस चलते हैं। तो यहाँ से अपनी जो हमारी केदारनाथ की राइड है ये होती है स्टार्ट। घर के बहुत पास हो, पेट्रोल डलवा रहा था, पेट्रोल फुल हो चुका है, 890 रुपये के समथिंग कुछ पेट्रोल आया। तो जो भी इसके डिस्कशन होगी ना उन सबको एक बजट वीडियो बताऊंगा कि भाई केदारनाथ में मेरे कितने पैसे खर्च हुए, ये चीज़ बतानी है, बिल्कुल बताऊँगा। अब यहाँ से जल्दी जल्दी है, देखो 1:30 बज रहा है, तो देखते हैं हरिद्वार कितनी देर में पहुँचते हैं। और वीडियो डाल रहा था ना ट्रैवलर वगैरह की, कसौल वसोल की मैंने डाली, कसौल की खीरगंगा की वीडियो डाली है। तो बहुत बंदे पूछ रहे थे कि भाई आपकी बाइक है कहाँ पे, बाइक नहीं है आपकी, पता नहीं कहाँ रहती है। तो सबको एक्चुअली मेरी बाइक में हुआ क्या है ना कि मैंने अपनी जो मेरी बुलेट है स्टैंडर्ड, जिसके व्याप पे चैनल है, तो उसका पिस्टन करवाया मैंने। तो भाई पिस्टन कब आया तो 1000 किलोमीटर, अब डेली में चलता हूँ, सिर्फ 2 या 3 ऑफिस मैंने ज्वाइन कर लिया, तो ऑफिस गाड़ी वाड़ी से होता है, सिर्फ पार्किंग जाने के लिए अब रखी हुई है।
अब वो हर चली नहीं 1000 किलोमीटर चल जाएगी, उसके बाद उससे राइड मारेंगे। हो सकता है लिटरली 2021 का मतलब 2021 में लद्दाख मारें या कुछ मारें, क्योंकि पहले नहीं बोलूँगा भाई मैं कुछ भी, क्योंकि जो भी मैंने पहले बोला है हमेशा बेकार हुआ है वो चीज़। अब चलो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं भाई। वैसे बहुत दिनों बाद बाइक राइड मार रहे हैं, लास्ट ध्यान भी नहीं है मेरे को कहाँ गया था, उत्तराखंड गया था मोनू भैया के गाँव पर अपने, और दोबारा उत्तराखंड जा रहे हैं, पर अब जा रहे हैं बाबा के धाम पे। तो गाइस टाइम हो गया 3:07 और मेरठ का टोल पार कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद जो टोल है ना एक बाइक से क्रॉस कर रहा हूँ भाई, मजा आ रहा है यार। बहुत दिनों बाद लिटरली शायद जनवरी में भी मैं वैष्णो देवी गया था तो ट्रेन से गया था, शिमला गया था तो गाड़ी से गया था। गाइस मेरठ के टोल पे हैं और घर से चाय पी रहे हैं, घर से चाय लाए हुए, ये देखो इसमें चाय है। गाइस पूरा एंजॉय हो रहा है, फुल लगेज पैक भाई। काफी लंबा ब्रेक हो गया, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, चाय वाय पी पर मजा आ गया एकदम ही। अब जल्दी से जल्दी चलते हैं। अच्छा ये जो 64 है ना ये मैंने रास्ते में करी थी, तो कम से कम हमने 70 के आसपास तो चला ही दिए, 70-75 के अप्रोक्स चल गई है हमारी बाइक, बाकी पहले रेस्ट ही हो रहा था। चले बॉयज ऑल सेट। तो गाइस टाइम हो चुका है 5:40 और यहाँ हो रही है चैन में लूपिंग। अच्छा गेयर से उतारनी पड़ेगी, ओह माय गॉड, इतनी महंगी बातचीत। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा, रुकेंगे हरिद्वार, और मोनू भाई आगे पहुंच चुके हैं। हम 4 मेंबर हैं यहाँ और 3 भाई थे, चल रहे हैं सही सही। तो गाइस टाइम हो गया 5:50, काफी मतलब चैन वैन लोप करी हमने यहाँ पे, स्प्रे मारा उसमें, चैन वैन लोप करने के बाद अब निकलते हैं सीधा, रुकेंगे हरिद्वार। मोनू भाई हमारे रह गए आगे, हम रह गए पीछे, चलते हैं। ओके बॉस, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये रुड़की का जो ये है ना रास्ता सिंगल हाईवे भाई साहब, ये बहुत बुरा है पूरे ट्रिप में बोलते हैं, ये बहुत बुरा है, इसमें गड्ढे वड्ढे बहुत आ जाते हैं। आराम से चलो, और यहाँ से हरिद्वार रहता है 30-35 किलोमीटर के बीच में, और यहाँ से आराम आराम से देख देख के चलना पड़ेगा। तो गाइस टाइम हो गया 6:30 और पहुँच गए हरिद्वार, दर्शन कर लो भाई गंगा वहाँ के, बाकी पास से भी करवाते हैं पर ये पहले दर्शन जो है ना। तो गाइस हरिद्वार पहुंच चुके हैं, शिव जी की मूर्ति, ये भोले बाबा जी की मूर्ति है ये यहाँ पे, और फिलहाल हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं, हम रुक रहे हैं सीधा ऋषिकेश, तो ऋषिकेश में मिलते हैं, वहाँ रुकेंगे। और भाई साहब मौज आ रही है बिल्कुल, क्या व्यू दिख रहे हैं भाई साहब, मजा आ गया।
भोजनशाला कहाँ है या धर्मशाला? होटल वगैरह भी नहीं चाहिए ही है? दोनों जो मतलब सस्ता पड़ जाए। होटल में तो आपको 500-600 रुपए का पड़ेगा, 600-500 का ही पड़ेगा रूम। अच्छा, यहाँ है ना नीचे होटल? होटल धर्मशाला मिल गए, धर्मशाला मिले कुछ तो मिले। 300 रुपए का बैठे धर्मशाला मिले इधर है। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं धर्मशाला में भी वही 300-400 रुपए का। कुछ भी ले लो, धर्मशाला ले लो, चाहे होटल ले लो।